अभी निकल गए सारे शादी में। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। इतनी गंदी हरकत की आपने मेरे तक से, अगर रात दिन इसको मैं अपने पास रखती हूँ, आपने पसीने से इसमें मुश्क डाल दी। मरियल हो गई हूँ तो थोड़ी मोटिवेशन दे दो मुझे इस व्लॉग में। आज मुझे ताने दे रहे हैं कि वहाँ पे ये सब चलता है, यहाँ पे गाड़ी शाड़ियों पे नाम नहीं लिखाते। आगे क्या बोलूँ, बहुत दिन बाद वापस से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और जो मैं पहले बोल चुकी हूँ उसको मैं रिपीट ही करूँगी कि जब कुछ दिखाने के लिए होगा तभी व्लॉग बनाऊँगी। तो आज था सैटरडे और आज हमने अपना पूरा दिन सोकर निकाला हुआ है क्योंकि बाहर जाना, कब से सुबह से हम रेडी हो रहे हैं कि बाहर जाना है, लेकिन इतनी गर्मी में ना इम्पॉसिबल सा लगता है बाहर धूप में निकलना। तो फिर ऐसा करते करते अभी हो चुके हैं 5:30 और अभी भी मेरी आँख नहीं खुल रही थी, मेरे को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं 3:30 बजे बहुत गहरी नींद में सोई गई थी। तो फिर अभी तो सैटरडे फिर वेस्ट हो जाता अगर मैं उठती नहीं, तो व्लॉग नहीं बन पाता, रील काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, रील भी नहीं बनाई है तो वो भी नहीं बन पाती। फिर अभी जस्ट मैं भी थोड़ा रेडी हुई हूँ, अयाज भी नीचे रेडी होने चले गए, तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आगे मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी या फिर से वापस से बोरिंग सा व्लॉग होगा, और आज मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा लो है तो मैनेज कर लेना आप लोग। बाकी आपसे नीचे मिलते हैं, थोड़े बाल बनाने मैंने, तो फिर बाहर जाना है, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आज ना दो काम बहुत इम्पॉर्टेंट करने हैं, इम्पॉर्टेंट दो काम ये है कि एक मुझे अपनी बाइक पे नाम लिखाना है और दूसरा मेरे को हेलमेट देखना है। अब यहाँ पे तो मतलब जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे हेलमेट तो कोई लगाता ही नहीं है, तो ट्रैफिक वाले भी बैठे होते तो वो भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पर हेलमेट लगाओ ना लगाओ तो चलेगा पूरी मार्केट में। तो इसी रीज़न से यहाँ पे हेलमेट ना, मैंने शॉप कल परसों निकली थी मैं तो कम दिखी थी, अब आज बोल रहे थे कि है शॉप लेकिन ना बहुत सिंपल हेलमेट होगी जो तुम्हें चाहिए वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिले तो ऑनलाइन देखूँगी, ऑनलाइन देखा तो ठीक मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जम्मू कश्मीर से हिलाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हेलमेट की बहुत सारी वराइटीज़ हैं। और अभी चलते हैं हम फटाक से, फिर मिलते हैं आपसे। नमकीन चाय पीऊंगी फिर निकलूंगी। इतनी सारी दुकानें देखी ना, यहाँ पे नाम लिखाने वाली सिर्फ दो दुकानें मिली, उसमें से एक को शॉर्ट सर्किट हो गया तो मशीन पर उन्होंने बोला 25 मिनट के बाद आना। तो यार मुझे ताने दे रहे हैं कि वहाँ पे ये सब चलता है, यहाँ पे गाड़ी शाड़ियों पे नाम नहीं लिखाते, ऐसा कुछ भी नहीं करते, पर हमारे वहाँ करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं कहाँ मना किया, करवा लेना, अपन वेट करना पड़ेगा, देखो गर्मी भी लग रही है, पसीना भी हो रहा है, वेट नाम भी लिखवाना है, वेट करेंगे। तो यार ताना मार रहा था कि वहाँ लिखाते हैं यहाँ नहीं लिखाते। हाँ यहाँ पे सच में पूरी दुकानें ही नहीं है, कहीं पे दो ही दुकानें मिली मेरे को, उसके अलावा कोई दुकान नहीं है, वो भी एक की शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। ये कितने गंदे लग रहे हैं बाल। तो दूसरी मुश्किल से उन्होंने 25 मिनट बोला, 25 मिनट के बाद मुझे कुछ काम था, मैं सोचा तब तक खा के आते हैं, कुछ घूम के आते हैं, चिथल बहुत गर्मी है, चलो आइसक्रीम खिलाओ। जाना है मेरे को शाम को। कहाँ कहाँ? दोस्तों के साथ बाहर, एक ही दिन गया हूँ मैं। बहुत गंजूसी करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा आइसक्रीम बता के भी आइसक्रीम दी है, इस वजह से मक्की का सत्तू डाला है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, मैं दूसरी खाऊंगी अच्छी वाली। मुबारक हो, फिर से कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि उस दुकान वाले को और टाइम लगता हो रहा है, आज बोले वो बहुत गंदा लिखता, अगर लिखता तो मैं वापिस जाऊंगा तो वहीं से दिखाऊंगा। बाइक लगा रहे हैं साइड पे क्योंकि यहाँ पे आज और इतना ज़्यादा रश है कि जगह ही नहीं है, स्कूटी बाइक लगा देगी। और पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे नीचे पुलिस बैठी हुई है और शायद और
पानी में वो बॉडी की तलाश कर रही है, पता नहीं कौन बेचारा होगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज सेकंड डे और कल का व्लॉग अधूरा रह गया था, आधा रह गया था। अभी मैं और रियाज यही बात कर रही थी, मैं कहा मुझे बिल्कुल मन नहीं करता व्लॉग बनाने का, पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी है, 42 डिग्री है यहाँ पर, और अगर एसी के पास बैठो तो बाहर निकलो तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। अब 24 घंटे रूम में तो बैठ नहीं सकते, बहुत गर्मी होती है, तो मेरा मन नहीं करता। मुझे कुछ बताओ, कुछ मोटिवेशन दो, कुछ तो करो। एक तरफ मैं आज यहाँ पे पड़े हुए, एक तरफ मैं आज, इनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, और अब यहाँ पे आज के फ्रेंड की शादी है तो वहाँ जाना है, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उठने का भी, लेकिन अम्मी ने बोला है कि जाना पड़ेगा। सारे पूछते हैं बहू के बारे में, तो मैं वह बोल देना कि बहू नहीं आती बाहर गर्मी में, पर क्या करूं, जाना पड़ेगा, आज कैसे भी तैयार होना पड़ेगा। तो चलो तैयार हो जाऊंगी तो एक रील भी बना ही दूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ रील भी नहीं बनाई है। फिर देखते हैं, पूरा दिन तो हम ऐसे लेटे पड़े ही निकाल देते हैं, तो और क्या करें इतनी गर्मी में। और आपको और भी गुड न्यूज़ देनी है, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। ये मरियल व्लॉग बन गया है, मैं खुद मरियल हो गई हूँ, तो थोड़ी मोटिवेशन दे दो मुझे इस व्लॉग में, ताकि मैं अगला व्लॉग फुल कॉन्फिडेंस से ले आऊं। ठीक है, तैयार होके मिलती हूं। ये अबू जी चले, चले अभी निकल गए सारे शादी में, और इतनी गर्मी है ना, पूछो मत, मेरी तो हड्डी आई हरी हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी है। हुई थी उसी हॉल में हम वापस से गए थे, तो मैंने सोचा रील बनाऊंगी, पर मजाक हो गया मेरे साथ, नहीं जा पाई मैं बाहर क्योंकि धूप थी, और बाइक पे इस चीज़ पे बैठना बहुत मुश्किल है, फ्लेयर 10 इंच का फ्लेयर है, ये टायर वायर के नीचे चला गया, तो बस फिर तो मेरी धज्जियाँ उड़ जानी है। और क्या बोल रही थी मैं, और कुछ बोल रही थी, बनाएंगे रील थोड़ी देर में। अभी वैसे मैंने अपने घर की सीढ़ियों पर रील बनाई है, और बहुत अच्छी भी बनी है, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे चेक करना कैसी बनी है। इसको तो खींच खींच के पकड़ के लगे एक्टिंग आती रही है इसको, चलो कुछ भी किया तो किया, इसको रियल में गर्मी लग रही थी ना, तो एक्शन दे रहे तो मेरी एक्टिंग से मैच हो गए, मेरी रील से मैच हो गए, तो मुझे और क्या चाहिए, अब तुझे मैं गर्मी में ही रील बनवाऊंगी आपको, फिर आप एक्टिंग एक्शन अच्छे अच्छे दोगे। अभी जल्दी से मैं भी फ्री हो जाती हूँ, अगर आगे रहा कुछ तो ब्लॉग बनाऊंगी, वैसे सड़ियल सा ब्लॉग बन गया है, तो कोशिश करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग बहुत 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 अच्छा है, तो आप भी मुझे बताना कि आप क्या देखना चाहते हैं, अगर कोई प्रैंक शेयर करना चाहते हैं तो वो भी बता देना। तो कुछ नहीं, क्या बोली, गुड न्यूज़ देनी है इनको, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, ताकि फुल एनर्जी से वो ब्लॉग स्टार्ट हो, क्योंकि उसमें भी खुशखबरी है। क्या नहीं, ऑडियंस पॉजिटिव माइंड है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, तब तक वेट करो आप अच्छी वाली न्यूज़ का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, आती है मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत, अल्लाह हाफिज़। इतनी गंदी हरकत की आपने मेरे तक, रात दिन इसको मैं अपने पास सकती हूँ, आपने पसीने से इसमें मुशुक डाल दी।